बशारतपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन से जुड़े लोगों ने कांग्रेस पार्टी के बैनर तले बुधवार को जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष पहुंचकर शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन जिलाधिकारी को प्रेषित किया। डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन के लोगों का कहना है कि बशारतपुर स्थित डॉक्टर अंबेडकर शिक्षा निकेतन जूनियर हाई स्कूल में भारी संख्या में बच्चे पठन पाठन का कार्य करते हैं। यहां से बच्चों के भविष्य का निर्माण होता है, जिसे जीडीए प्रशासन द्वारा ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। बच्चों के भविष्य को देखते हुए निकेतन के लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से इस विद्यालय को ना तोड़े जाने की मांग की है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कांग्रेस नेता राणा राहुल सिंह ने कहा, गोरखपुर में अंबेडकर शिक्षा निकेतन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षा निकेतन की बाउंड्री वॉल जो 1978 से वो स्कूल संचालित था, उसकी बाउंड्री वॉल को गोरखपुर विकास प्राधिकरण द्वारा बिना कोई पूर्व में जानकारी दिए हुए, जैसे जमीन के व्यापारियों की तरह गुंडई के दम पे उसको ढा दिया गया। स्कूल जब बंद है, सभी विद्यालय बंद है, विद्यालय की चरदीवारी, उसके दफ्तर, उसमें जो कागजात रखे थे, उनके शौचालय सबको जबरन ढा दिया गया, उसके विरोध में कि जो 1978 से जब गोरखपुर विकास प्राधिकरण का यहाँ नामो निशान अस्तित्व नहीं था, तब से वो विद्यालय संचालित है। अगर उनकी कोई भूमि थी तो उनको पूर्व में अवगत कराना चाहिए था। हमारे पास सभी कागजात हैं जो ये दर्शाता है कि वो विद्यालय वो अपने भूमि पे है। अपने कागजात को ले आए और हमें हमारी ज़मीन बता दे कहाँ है, उसके बाद आपको अवगत करा के ऐसा करना चाहिए था। ये तो साफ साफ है कि जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब के नाम पे एक स्कूल संचालित है, जो पूर्वांचल में मात्र एक अंबेडकर मिशन के तहत वो स्कूल पास किया गया था, उस पर इस तरह का कार्रवाई किया गया। उसके विरोध में हम लोग डीएम साहब को ज्ञापन देने आए।